खंड विकास कार्यालय मुरादाबाद की ग्राम पंचायत गिंदौरा में इन दिनों गौवंशीय पशुओं का आतंक क्षेत्रवासियों के लिए समस्या बनता जा रहा है। दर्जनों गौवंश के पशु जंगलों में किसानों को घायल कर रहे हैं और फसलों को चौपट कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार उर्फ पिंटू का कहना है कि उनके द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन तक के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन गौवंश पशु की समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा। खेत खलियान का नुकसान कर रहे हैं और आवारा सांड बच्चों को बुजुर्गों को घायल कर रहे हैं। इन गौवंश पशुओं का आतंक इतना है कि स्कूल के गेट में घुसकर बच्चों पर हमलावर भी हो रहे हैं। स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा भी जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सभी ग्रामीण आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ये जो छुट्टा गौवंश हमारे यहाँ घूम रहे हैं, इनसे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है और ये जो बच्चे जाते हैं स्कूल वगैरह को जाते हैं उन पे कई बार ये बिझार भागे हैं। कितने मारने को ऐसे? ये 30-35 पशु हैं। तो अभी तक किसी को चोट जान मारने जिलाधिकारी पे एप्लीकेशन दी गई थी और उन्होंने सीडीओ साहब को लिखा था कि सीडीओ साहब से मिलिए, ये ब्लॉक स्तर तक बात आ गई थी। फिर आप? हम यही इनका रिस्टोरेंट चाहते हैं। ये हमारा पशुओं की समस्या है गाँव में, ये 3-4 महीने से ज्यादा परेशान कर रहे हैं। पहले थोड़े थे, फसल तो चौपट कर ही दी है इन्होंने। अब एक दो लोग गांव के लिए निकलते हैं, एक दो लोग घूमने निकलते हैं तो ये मारने के लिए भागते हैं। खुकार हो गए, 2-4 लोगों पर हमला भी कर चुके हैं। डीएम साहब के पास गए थे इकट्ठे होकर, एक प्रार्थना पत्र दिया था उनको, सुनवाई इन्होंने सीडीओ के लिए बोला था, ब्लॉक तक आई, ब्लॉक से कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आगे क्या चाहते हैं आप? इनसे निस्तारण चाहते हैं। गाँव का जो सहयोग होगा आपस में वो करेंगे, जो भी होगा। कोई परमिशन वगैरह मिल जाए गौशाला में छोड़ने के लिए उसमें भी सेवक। सर समस्या ये है, जैसे खेत पर जाते हैं हम, ये इकल्ला आदमी जाता है तो ये जाने नहीं देते, मारते हैं। और पशु होंगे इस तरह के? इस तरह के करीब 30-35 के आसपास हैं। कभी शिकायत करी है इनको लेकर के? शिकायत करी है, कोई नतीजा निकला अभी तक? अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ से जो इन्हें पकड़वा दिया जाए और गौशाला पहुँचा दिया जाए। ये ग्राम पंचायत गिंदौड़ा पड़ती है, यहाँ पर आवारा पशुओं का जो झुंड है वो कम से कम 30-40 है। ये आए दिन जो है तो बच्चों को मारने का काम चालू हो गया, अब तक तो फसलों में ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे थे। ये प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों हैं, वहाँ के बच्चों को जो है जब भोजन वितरण होता है तो वहाँ पर भी कई बार पहुँच गए हैं। तो जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने भी लिखित में कई बार दे दिया है, मैंने उच्च अधिकारियों को भी इसमें संज्ञान में डाला है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गांव के लोग सहयोग करने तैयार है, पूरा गांव जो है, अगर मान लो फाइनेंस की कहीं दिक्कत है तो वो हम एकजुट होकर एकत्रित कर लेंगे पैसा, बस हमें इसे छुड़वाने की परमिशन मिल जाए, जो कि जो दिक्कत हो रही है गांव की समस्या फसल को लेकर वो दिक्कत दूर हो जाए। और ये जो है अब जो कई सारे विचार हैं इसमें जो मारना चालू कर दिया है, तो जान माल का दोनों खतरा है, इसलिए निवेदन है प्रशासन से कि हमारे यहाँ जो गौवंश घूम रहे हैं आवारा, इन्हें पकड़वाने की कृपा करें, पूरा गांव जो है सहयोग कर रहा है।